या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र सरकारनं विशेष अधिवेशन बोलावलेलं आणि या संदर्भात त्यांनी जी आश्वासन दिली त्याची खरोखर पूर्तता करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. हिंदी हां बोलिए. आज की बैठक में इस विषय पे कोई भी चर्चा नहीं हुई है, मैं ये बात साफ तौर से कहना चाहता हूँ. और महाविकास आघाड़ी करके हम कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, आप, आम आदमी पार्टी, ये सब मिलके लोगों के सामने अपना एजेंडा लेके जाएंगे. लोगों के सामने जो सत्ता पक्ष है, ये सत्ता पक्ष की जो खामियाँ हैं, इन खामियों को हम उजागर करेंगे. इसमें आज की बैठक में कोई भी ऐसी चर्चा नहीं हुई कि ये एनसीपी कहीं पे मर्ज हो रही है, क्योंकि पिछले 25 सालों से पूरा देश जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पर एनसीपी चली है और हम हमारे नेता के साथ पुरजोर तरीके से खड़े हैं. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.